आपको जब फॉर्मल राइटिंग में लिखना है ना, तो सबसे पहले सेंडर्स का एड्रेस जरूरी है, जिसने भेजा है वो बहुत जरूरी है। आप सेंडर्स और देखो, लेफ्ट अलाइनमेंट की बात होती है, लेफ्ट के पार्ट से आप लिखना शुरू करना। दैट यू नो, यू मस्ट बी नोइंग, सब लोग जानते हो, मैं खाली उसको ले रहा हूं। आप मान लो कि यहां से आप लिखना शुरू करते हो कंप्यूटर पे, तो दैट विल बी सेंडर्स एड्रेस, और ये एड्रेस ऑलरेडी दिया जा चुका है। यू आर सुनीता, यू आर सुनील, सेंडर्स एड्रेस है गांधी रोड द्वारका न्यू दिल्ली एड्रेस। तो अभी अगर इसके जगह पे मेरे को लेफ्ट अलाइनमेंट में लिखना होगा तो मैं लिखूंगा, नाम नहीं आएगा यहां पे, यहां पे आपका नाम नहीं होगा, मैं ऐसे लिखूंगा गांधी रोड, कॉमा डालो नहीं डालो कोई अंतर नहीं पड़ता क्योंकि खत्म हो गया है, द्वारका न्यू दिल्ली, और पिन उसने दिया था 118083। ऐसे कर लो, सेंडर से एड्रेस हो गया। और इसके बाद यू राइट द डेट, डेट में मैंने जैसे कहा अगस्त 4, 2019, आपने ये लिख लिया। देन आप लिखोगे रिसीवर्स क्योंकि ये जिसको लिखा जाता है ना उसका डेजिग्नेशन और एड्रेस रहता है, डेजिग्नेशन नाम नहीं होता, डेजिग्नेशन और एड्रेस रहता है। इस ये लिखना था राइट अ लेटर टू द मैनेजर जीडी रेस्टोरेंट कंप्लेनिंग अबाउट देयर पुअर सर्विस एंड द क्वालिटी ऑफ फूड। आप जीडी रेस्टोरेंट के मैनेजर को लेटर लिखो और उनको बताओ कि उनका सर्विस बहुत पुअर था और फूड की क्वालिटी बहुत खराब थी। अब मैं लिख रहा हूं डेजिग्नेशन में द मैनेजर, याद रखिएगा ये आपको नहीं लिखना है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखा है, आप इतना ही लिखोगे। अभी क्या क्या होता है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यहां टू लिखें यहां फ्रॉम लिखें, भाई अब छोड़ दो, करना क्या कि जब ये लॉट खत्म हो जाए ना तो यहां पे जाके एक इंटर मार देना, इंटर, क्योंकि सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, एक लाइन का गैप हो जाए यहां पे। अब उसके बाद डेट लिख देना, एक लाइन का गैप मिथ द मैनेजर जीडी रेस्टोरेंट, क्योंकि इतना ही दिया है उसने, उसने जीडी रेस्टोरेंट कहां है ये नहीं लिखा है, तो तुम भी मत बनाओ उसको, द मैनेजर जीडी रेस्टोरेंट, बस दैट्स इट, इतना लिख दिया आपने। उसके बाद आप टॉपिक लिखो, सब्जेक्ट जिस पे आप लेटर को, क्योंकि कहा जाता है ना कि ये जिसको आप लिख रहे हो ना वो लेटर निकालेगा और वो सीधा यहां जाएगा, इसको देखेगा, उसके बाद मामले को पढ़ेगा और उसके बाद वो नजर डालेगा कि ये कौन आदमी है, कहां से भेजा है। सो इंपॉर्टेंट चीज है, अब यहां पे SUB सब्जेक्ट पहले जो लिखते थे ना वो मत करो, ये जहां पे आप जिस लाइन में लिख रहे हो उससे थोड़ा सा इधर जाके मिडिल में आके, अंडरलाइन मैंने कर दिया है, तुमको करना नहीं, नहीं करना तुम्हारे मर्जी की बात है, अगर अंडरलाइन की सुविधा है तो कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, लेकिन वो मिडिल में आएगा। अब आपको ध्यान रखना कि कोशिश ये करनी है कि उसने जो शब्द इस्तेमाल किए थे पुअर पुअर सर्विस एंड द क्वालिटी ऑफ फूड, इस वर्ड को थोड़ा सा चेंज करके ऐसे लिखो कि पता चल जाए कि ये समरी आपका क्या है। सो अगर मैं, मेरे दिमाग में अभी एक बात आ रही है, मैं लिख रहा हूं पैथेटिक, अब ये तुम ऐसे निकलना पुअर क्वालिटी एंड सर्विस ऑफ फूड ऐसे नहीं,
थोड़ा सा चेंज करो, लगेगा कि वही वाला वर्ड को उठा के यहां पे रख दिया है। मैंने पैथेटिक लिखा, तुम्हारे पास 1000 वर्ड होगा। पैथेटिक सर्विस एंड फूड, ऐसे करके लिख लो। तुम इसको कैसे भी करके लिख सकते हो क्योंकि ये टॉपिक था। इसके बाद एक प्रॉपर सैल्यूटेशन दो, क्योंकि द मैनेजर है, तुमको नहीं पता है वो सर हैं, मैम हैं, कौन है। और ये कहा जाता है कि मैडम पहले लिखा जाए और सर बाद में, लेडीज फर्स्ट, ऐसे लिख लो। कॉमा आदि मत डालना। आप में से बहुत सारे लोग पूछते कॉमा डालें, भाई डालना होता मैं डाल देता। यहां फुल स्टॉप मत मारना क्योंकि ये सेंटेंस नहीं है, फुल स्टॉप सेंटेंस के अंत में लगता है। ये तुम्हारा सैल्यूटेशन हो गया। इसके बाद आप मेन बॉडी लिखोगे, इसके बाद आप मेन बॉडी लिखोगे। मेन बॉडी के लिए अब नीचे नहीं है, मैं यहां जा रहा हूं। ये तुम्हारा पार्ट हो गया यहां पे। इसके बाद इसी लेफ्ट अलाइनमेंट में आप मेन बॉडी लिखोगे यहां पे। वो कैसे होता है, जो मेजर फैक्टर है। उसके बाद अंतिम में फॉर्मल राइटिंग में बना लो योर्स फेथफुली और आप अपना नाम सुनीता या सुनील जो लिखना है आप उसको लिख लो। एंड द थिंग इज देयर, दैट्स इट। ये तुम्हारा फॉर्मेट हो गया, फॉर्मेट हो गया। लेकिन इस फॉर्मेट पे मैंने देखा कि अगर क्वेश्चन का मार्क्स दिया हुआ 50 तो तुमको क्या लगता है कि यहां पे 25 नंबर दे देगा? 5 नंबर के लिए फॉर्मेट रखेगा, वो 5 नंबर रखेगा। अगर ये मेंटेन कर लिया आपने तो आपका 5 नंबर हो गया, दैट्स इट। मेजर जो मिलना है वो तो यहां से मिलेगा ना, मेन बॉडी से। मेन बॉडी से मेजर आपको पार्ट मिलता है। एंड रिमेंबर वन थिंग, दैट यू आर राइटिंग अ फॉर्मल लेटर। अभी मैं उस पर आ रहा हूं। अगर आपके पास इनफॉर्मल लिखना है, आप इस एड्रेस को अगर दिया हुआ है तो एड्रेस लिख लेना, क्योंकि एक एड्रेस था। एक देखो, यू आर सीमा और सुरेश, आप सीमा हो या सुरेश हो, राइट ए लेटर टू द यंगर ब्रदर नरेश। एड्रेस नहीं दिया हुआ है, आप नरेश को एक लेटर लिखो, आपका छोटा भाई है। हाईलाइटिंग द डिस्टिंक्ट बेनिफिट एंड शॉर्टकमिंग्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑफ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्यूटर बेस्ड जो होते हैं, उनका बेनिफिट और डिसएडवांटेज आपको बताना है। अब ध्यान देना कि तुम्हारा नाम तो उसने दे दिया, यहां वाला तुम्हारा नाम हो जाएगा। अब छोटे भाई को लिखना है तो योर्स फेथफुली तो लिखोगे नहीं। अब आपके पास क्या करना है यहां पे, आप ध्यान देना, उसमें रिसीवर्स एड्रेस नहीं होता है, उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। सर मैडम नहीं होगा, डियर ब्रदर लिखोगे, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, डियर डाल दो, एक काम हो जाएगा। यहां पे भी मैं मैडम सर के जगह पे डियर सर कर लीजिए, क्योंकि रेस्टोरेंट का मैनेजर है तो डियर सर कर लीजिए, काम चल जाएगा। उसमें आपको अगर नरेश को लिखना है तो आप यहां डियर नरेश लिख सकते हो। एड्रेस में आप इनफॉर्मल, सॉरी डेट में आप 4 अगस्त जैसे मैंने बताया था वैसे कर सकते हो, कर सकते हो। अगर आपको एड्रेस लिखने का मन करे, कर सकते हो आराम से सेंडर्स एड्रेस, तो एक एड्रेस सोच लो, सोच लो एक एड्रेस लिखने का, डेट लिख लो और उसके बाद डियर नरेश, जितना भी अच्छा बनाना हो लेटर। मैंने बहुत नहीं लिखा है तो डियर नरेश, माय डियर नरेश, कुछ भी आप लिख लो। उसके बाद आप अपना मेन बॉडी शुरू कर दो, खत्म हो जाए। योर्स लविंगली या जो भी मन करे, जो भी भाव की बात आ रही है यहां पे वो आप डाल लीजिए, भाव का नाम, जो भी भाव लगे योर्स लिखने के बाद, या लविंगली योर्स।
क्योंकि फॉर्मल इनफॉर्मल राइटिंग में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लविंगली योर्स भी लिख सकते हैं या योर्स लविंगली भी लिख सकते हैं। तो तुम ये बोल सकते हो कि ऐसे तुम लिखो अगर फॉर्मल राइटिंग में, योर्स फेथफुली, ये फॉर्मल राइटिंग और ये इनफॉर्मल राइटिंग का, ऐसे लिख लो। अब मेजर फैक्टर जो है फॉर्मेट, मेरे को लगता है कि थिंग्स शुड बी इजी, आपका वो आइडिया हो गया होगा। अब आपके पास मेन बॉडी पे वर्कआउट करना है। अब देखो, राइटिंग इज नॉट अ डायलॉग, राइटिंग इज नॉट अ डायलॉग। अब मैं सपोज करो कि मैनेजर को मैं एक वो उसके फूड क्वालिटी और उसके सर्विस क्वालिटी बहुत खराब है, इस पे मैं उनको कंप्लेन लिख रहा हूं। अब मैंने देखा है बच्चों को कैसे कंप्लेन लिखते हैं, यस्टरडे ऐसे, आई विजिटेड योर रेस्टोरेंट I ordered फलाना ठिकाना कुछ, अपना आप डिश कुछ नाम दे दोगे। When I tasted, when I tasted नहीं, अभी तो पहले फूड को, क्योंकि सर्विस भी खराब है ना, तो I got the food, yeah, my order after 1 hour. And I told the waiter to bring it to me early. Then he did not listen me. ये सब spoken का sentence है, याद रखना। ये informal writing में काम चल सकता है। This is not a formal writing. बार बार I, you, he का इस्तेमाल नहीं होता है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है। ये क्या करेगा ना कि ऐसे अगर लिखोगे तो एग्जामिनर के दिमाग में इरिटेशन क्रिएट करेगा, डिस्पाइट बीइंग ग्रामेटिकली करेक्ट, इरिटेशन क्रिएट करेगा। बार बार आई आस्क्ड हिम, ही आंसर्ड मी, देन आई सेड, देन ही टोल्ड, देन दिस, व्हेन टेस्टेड द फूड आई सेड द फूड इज नॉट गुड, दिस दैट। लग रहा है कि एकदम, मतलब लड़का एकदम क्लास 2 में अभी तक है वो, और तुम लिख रहे हो फॉर्मल राइटिंग। फॉर्मल राइटिंग ऐसी होती है जिसमें आप अपने किसी व्यक्ति को मुद्दा नहीं बनाते हो, याद रखना। बार बार आई 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 कर रहे हो, तुमसे नहीं बोला है कि तुमको तुम्हारा फूड खराब है, उसने बोला कि सर्विस और फूड का क्वालिटी बहुत बुरा है रेस्टोरेंट का। तुम रेस्टोरेंट की बात करनी है, तुम आई 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 बात कर लो, क्योंकि मैंने देखा, मैं महसूस कर रहा हूं कि अगर ऐसा वाला टॉपिक दिया जाए तो लड़का अपने बारे में बात करना। याद रखना कि अगर आपको फॉर्मल राइटिंग में आई हर सेंटेंस में या बहुत बार रिपीट करना पड़ रहा है, यह फॉर्मल राइटिंग नहीं है। कंप्लेन भी करना है तो दैट शुड बी मेड एन इश्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द इश्यू ऑफ द रेस्टोरेंट, नॉट माय इश्यू। ये मेरा मुद्दा नहीं है, ये रेस्टोरेंट के उस चीज का मैं, और तुमको ऐसा हुआ है डजंट मीन कि खाली तुम्ही को हुआ है, तुम्ही को होता तो ठीक था, बगल वाले को तुरंत खाना लाके दे दिया, उसको उसकी क्वालिटी एकदम फ्रेश थी, बहुत टेस्टी था फलाने खाना, ऐसा नहीं होता। वो रेस्टोरेंट में फूड देर से मिलती है, सर्विस बहुत खराब है, तो तुम्हें जो मुद्दा बनाना होगा वो उस पूरे रेस्टोरेंट के पार्ट को टेकअप करना होगा, नॉट आई। सो रिमेंबर वन थिंग, इन फॉर्मल राइटिंग, इवन इफ यू आर टोल्ड टू राइट अ कंप्लेंट लेटर अबाउट योर सेल्फ, अगर मैनेजर को भी कहना है कि आपके यहां आपके साथ बुरा व्यवहार हुआ, तो ये नहीं कि आई वेंट टू द क्लर्क, आई सेड टू हिम दैट प्लीज मेक माई बैंक ड्राफ्ट, द मैनेजर वॉज रिव्ड इन हिज आंसर, सॉरी द क्लर्क वॉज रिव्ड इन हिज आंसर, ही सेड दैट आई विल नॉट डू दिस फलाने का। नहीं लग रहा कि हम लोग बात कर रहे हैं? मुझे लिखना होगा
तो मैं स्टार्ट करूंगा ऐसा कि मैनेजर को लगे कि उसका रेस्टोरेंट बंद होने वाला है, इस तरह से मुद्दे को सामने रखना होगा। देखो एक बात समझना, देर आर टू थिंग्स, मैं उसको मैं बताता हूं कैसे करना है। देर आर टू थिंग्स, एक होता है क्रिएटिव राइटिंग और एक होता है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल राइटिंग। दो तरह के राइटिंग होते हैं, ध्यान रखिएगा, एसे और प्रेसे यहां की चीजें हैं और लेटर यहां की चीज है। सुनना क्यों मैं बता रहा हूं, यह समझना क्यों जरूरी है। कोई चीज नहीं है उसको क्रिएट करना है, मतलब लेटर राइटिंग इज कंप्लीटली फॉल्स, कंप्लीटली इमेजिनेटिव। यू मस्ट बी श्योर, तुम एकदम श्योर हो गए कि दिल्ली में द्वारका एक जगह है, बट ये तुमको शायद समझ में आ गया होगा कि वहां जीडी रेस्टोरेंट नहीं होगा। तो ये घटना घटी ही नहीं, तुम वहां कभी गए नहीं, तो तुमको तो बोला है कि अपने इमेजिनेशन का यूज करो, अपने इमेजिनेशन का यूज करो, उस सिचुएशन को सोचो एंड राइट अ फॉर्मल राइटिंग। लेटर राइटिंग में जो भी लिखना होता है वो कुछ घटित नहीं होता है। कभी कभी क्या करते हैं लेटर राइटिंग में कि आपको बोल देता है रिगार्डिंग रिसेंट, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड हु लिव्स अब्रॉड नरेटिंग रिगार्डिंग द रिसेंट डेवलपमेंट इन द इंडियन पॉलिटिक्स। ऐसा एक एक फ्रेंड को लेटर लिखो, अब्रॉड में अब्रॉड है वो, और उसको जो पॉलिटिक्स में रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है उसको नरेट करते हुए। ठीक है, ये आपको टॉपिक पे लिखना है, लेकिन तो भी आपको ये एसे और लेटर का एक मिक्स्ड फॉर्मेट हो गया। फॉर्मेट लेटर का रहेगा, फ्रेंड से थोड़ी बहुत बात होगी, लेकिन उसमें याद रखना कि एसे नहीं लिखना है, एसे नहीं लिखना है, उसके साथ एज इफ की हम बात कर रहे हैं उस मोड में उसको लिखना है। उसमें ब्रदर के यू नो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द रिसेंट इलेक्शंस और द रिसेंट राम जन्मभूमि शिलान्यास लाइक दैट, आप रिसेंट डेवलपमेंट इन यू नो यू मस्ट हैव हर्ड एंड लेट मी टेल यू, ऐसा वाला लिखना होता है, जबकि ऐसे में ऐसा नहीं लिखना है। ये सब स्टेटमेंट्स बीच में आएंगे ना तो लगेगा कि कोई आदमी बात कर रहा है अपने दोस्त से, वो सब स्टेटमेंट्स बीच बीच में डालना होगा, ऐसे नहीं छाप देना है, स्टार्टिंग करना है और बीच बीच में ऐसे सेंटेंस लिखने हैं। तो वो क्या करेगा ना कि वो लेटर का मोड बरकरार रखेगा, लेटर का मोड बरकरार रखेगा। ऑन द अदर हैंड ये सब पार्ट में तो कंप्लीटली एकदम इमेजिनेटिव लिखना है, सो आपको सोचना पड़ेगा इमेजिनेटिव राइटिंग में, वो है नहीं, क्रिएट करना है। जबकि यहां पे क्या करना है, कोई क्रिएट नहीं करना है, कोई भी टॉपिक होता है वो घटित हुआ है, घटित हुआ है, आपको उसको एनालाइज करने के लिए दे रहा है, डिस्क्राइब करने के लिए नहीं देता है। मैं ऐसे पे आऊंगा ना तो हाईएस्ट मार्क्स कहां रहता है वो मेरे को बताना है, ऐसे राइटिंग में हाईएस्ट मार्क्स कहां रहता है। लड़के बहुत अटपटा लिखते हैं, आई विल बी कमिंग टू दैट लेटर ऑन, फिलहाल अभी लेटर के राइटिंग के लैंग्वेज को और उसके मोड को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। समझना तुम, ये क्रिएटिव है, इमेजिनेटिव है। अब मेरे को बैंक मैनेजर सॉरी वो रेस्टोरेंट के मैनेजर को लेटर लिखना है कि आपके यहां का फूड क्वालिटी खराब है, नेचुरली तुमको एक्सपीरियंस तो पर्सनली हुआ ही होगा, तभी तो तुम लिखने के लिए हो गए। और क्यों हम एक दिन की बात लें, आप किसी का भी एक दिन में डाउट होता है कि वहां पे मतलब खराब होगा, क्यों नहीं हम इसको, चूंकि इमेजिनेटिव है ना, तीन चार पांच बार ऐसी घटना घट गई, क्यों हम ऐसा नहीं सोचे कि रेस्टोरेंट में भीड़ नहीं थी
तब भी हमारे साथ सर्विस में कॉम्प्रोमाइज हुआ, हमारे फूड की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हुआ। कभी कभी होता है रेस्टोरेंट में भीड़ होती है, मैं क्या बोल रहा हूं, सोचने के लिए। और प्रेजेंटेशन सबसे बड़ा फैक्टर फॉर्मल राइटिंग में। अब जरा मैं स्टार्ट करता हूं। दिस पेन्स मी टू ड्रॉ योर अटेंशन अ पर्सन हु इज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, मैं ध्यान रखना घर से तैयार करके नहीं आया हूं, मेरे दिमाग में जो आ रहा मैं लिख रहा हूं, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग गुड और बैड अकरिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन अकरिंग टू द रेस्टोरेंट। दिस पेन्स मी टू ड्रॉ योर अटेंशन, अब इसके बाद पर्सन कौन सा, towards the rapidly deteriorating status and performance of the रेस्टोरेंट। देखो मैं इसको शुरू कर सकता था कि आई वॉन्ट टू लेट यू नो दैट यस्टरडे आई विजिटेड योर रेस्टोरेंट इन द इवनिंग, आई वॉज हंग्री, आई ऑर्डर्ड सम कोई भी डिश का नाम ले लो, आई रिक्वेस्टेड द वेटर टू सर्व मी बिकॉज आई वॉज हंग्री टाइप। देखो ये और इसको सोचो, दिस इज कॉल्ड फॉर्मल राइटिंग। फॉर्मल राइटिंग का जो प्रेजेंटेशन होता है वो फॉर्मल होना चाहिए। अब ये मैंने लिखा, तुम्हारे को एग्जामिनेशन हॉल में जब टॉपिक ऑल ऑफ अ सडन ऑन होगा तो जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं किए रहोगे ना, इस तरह का प्रेजेंटेशन तुम्हारे पास आने में दिक्कत होगी, तुम्हारे को इस तरह के प्रेजेंटेशन में बहुत परेशानी आएगी, तुमको नहीं आएगा समझ में आएगा, वो आई 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 आ जाएगा। मैंने जरा देखो तो कि आई कहीं है, मैं बोल सकता हूं दिस वॉज पर्सनली एक्सपीरियंस्ड बाय मी, आई छोड़ रहा हूं मैं, नॉट वंस बट मेनी टाइम्स, बिकॉज दिस रेस्टोरेंट हैड बीन, थोड़ा सा और बनाते हैं, दिस रेस्टोरेंट हैड बीन ब्रैकेट में नॉट हैज बीन वन ऑफ माई फेवरेट रेस्टोरेंट इन द नॉर्थ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली वॉट एवर वो जहां भी, बट माई विजिट रिसेंटली और माई रिपीटेड विजिट रिसेंटली वॉज गेव मी सम हॉरिबल एक्सपीरियंसेस। द फूड वेन ऑर्डर्ड वॉज टेकन बाय वॉज रिसीव्ड बाय अ पर्सन हु सीम्ड लेस इंटरेस्टेड इन सर्विंग मी। सोचना जरा, naturally the delivery of the food to my table was excessively inordinately delayed,
My repeated request to the counter manager for expeditious delivery was overlooked. And when I got when I got the food, its taste, its ingredients were pathetic, not suitable, befitting to the imagination I had for this restaurant. इसके अलावे अब at the other web customers present there were also of the same view that the delay or the what you call deteriorating quality of the food is has been now the normal order of this restaurant. Sir, I have seen the glorious days of this restaurant when this restaurant was the prime preference for every food lover in the locality. I was enthused to write a letter because you are the person who can put a break to this like that. Ab jara dekho, jara sochna. आईआईआई वाला लिखने से और इसमें देखो कुछ अंतर आपको समझ में आ रहा है. दिस इज कॉल्ड फॉर्मल राइटिंग. फॉर्मल राइटिंग का मतलब होता है कि व्हेन यू राइट एवरीथिंग इन अ फॉर्मल वे. कहा जाता है कि फॉर्मल राइटिंग में ना तो आपको किसी को डायरेक्ट डांटना है ना किसी को बढ़ाई करनी डायरेक्टली, वो इनफॉर्मल में होता है. बढ़ाई भी करनी है तो भाषा इनडायरेक्ट होगी. और कहा जाता है ना कि पैसिव वॉइस फॉर्मल राइटिंग में एडॉप्ट करना चाहिए. पैसिव वॉइस लैंग्वेज का पार्ट. हमेशा याद रखना कि अभी वो चीजें एडॉप्ट करने में टाइम लगेंगी. आपको सोचना होगा, आपको ये पार्ट को कि वो फर्स्ट राइटिंग में ऐसे ही डिलीवरी हो, उसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत मेहनत करनी होगी. अब इसको आप राइटिंग करो. ऐसा नहीं है कि 50 टॉपिक में मैं लिखूं. एक टॉपिक को तुम 50 बार लिखो, तुमको दिखाई पड़ेगा कि दूसरे तीसरे चौथे पांचवें हर में डेवलपमेंट हो रहा है, हर में डेवलपमेंट हो रहा है. और जो तुम 10 बार के बाद जो तुम्हारा लेटर आया है वो तुमको एग्जामिनेशन के दिन फर्स्ट बार में आना चाहिए. अभी तुमने 10 बार ट्राई किया तो आया. इसका मतलब कि अभी तुमको खुद ट्राई करना है. धीरे धीरे ये स्टेजेस स्किप होते चले जाएंगे, स्किप होते चले जाएंगे. वो एक टाइम आएगा जब आपका ये वाला पहली बार में ही आएगा. एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू डू टू गेट अ वेरी गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन. फॉर दैट यू डोंट राइट मेनी टॉपिक्स विदाउट ब्रेक. यू राइट वन टॉपिक रेगुलरली, ट्राइंग टू इंप्रूव दैट, ट्राइंग टू रिमूव योर मिस्टेक्स धीरे धीरे. और अपनी राइटिंग को खुद पढ़ो. कहा जाता है, वेबस्टर ने बड़ा अच्छा लिखा था अपने लेटर राइटिंग के बुक में. वेबस्टर ने लिखा है कि जिस दिन तुमको अपनी राइटिंग अच्छी लगे, समझ लेना कि तुमने अच्छा लिखा है. लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, आकर्षण नहीं होना चाहिए. अगर तुम क्रिटिकल हो तो तुमको अपनी राइटिंग खराब लगती होगी, क्योंकि तुमने बहुत अच्छी अच्छी चीजें रीडिंग की है, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड की रीडिंग की है. हाँ, एक चीज और कि वेबस्टर ने एक और चीज लिखा था कि तुम जिस आदमी को लेटर लिखते हो फॉर्मल में, वो एक किसी ऐसे पोस्ट पे होता है जहां पे उसके पास आपकी तरह के लेटर्स बहुत सारे आते हैं, चाहे बैंक मैनेजर हो चाहे कोई भी हो, आपकी तरह के लेटर्स बहुत सारे आते हैं. और आपका एक्सपेक्टेशन ये है कि आपका लेटर वो पढ़े और वो तुरंत एक्शन लेने के लिए, मतलब उसको लगे कि एक्शन लेना बहुत जरूरी है. तुम जब अपना लेटर लिख लेते हो तो तुम जेडी रेस्टोरेंट के मैनेजर बन जाओ और अपने लेटर को पढ़ो. क्या तुमको उसको पढ़ के
ऐसा लग रहा है कि रियली रेस्टोरेंट की हालत खराब है, रियली रेस्टोरेंट के बारे में कुछ करना चाहिए, या किसी सन की कस्टमर का है, उसको टाइम था, उसने बेमतलब का कंप्लेन कर दिया है। अगर तुमको पहला वाला रिएक्शन आता है कि लगता है कि तुम्हें कुछ करना होगा, तो तुम्हारा लेटर अच्छा है और एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क्स अच्छे मिलने की संभावना है। अगर यह तुमको हो रहा है, और ध्यान रखना कि राइटिंग में सबसे बड़ा क्रिटिकल जज आप खुद हो, नोबडी एल्स इज देयर, आप खुद हो। फॉर्मल इनफॉर्मल राइटिंग लैंग्वेज कैसा पार्ट होगा, क्योंकि हम लोगों को एसए में जब होगा ना, तो वहां पे ऑर्गेनाइजेशन और बताने के, क्योंकि वहां तो फॉर्मेट होता नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन आदि बताना है। राइटिंग के पार्ट में फॉर्मल राइटिंग, एक इनफॉर्मल राइटिंग को फॉर्मल में कैसे कन्वर्ट करोगे, इसके लिए मैं आपको अभी लेसन्स दूंगा उस पर, ताकि आप इनफॉर्मल राइटिंग को फॉर्मल में कन्वर्ट कर लो। भाई वाला जो लेटर था उसको जो बताना है वो भी मेरे को डील करना है, एंड वी शैल मीटिंग इट, वी शैल बी डूइंग ऑल दीज थिंग्स लेटर ऑन। थैंक यू, टेक केयर ऑफ।